नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी न्यूज की हिंदी बुलेटिन। देखते हैं आज की कुछ मुख्य खबरें। आमगांव गोंदिया रोड महाकाली पेट्रोल पंप के पास के रोड की दुर्दशा के कारण प्रवासियों को तेज दुर्घटना का सामना करना पड़ रहा है। इसी मार्ग से विधायक, आमदार, मंत्री, जनप्रतिनिधि आग बंद कर सफर करते हैं। इस रोड का काम कई सालों से पूरा नहीं हुआ है। मंत्रियों को व विधायकों को सिर्फ अपना पद व पार्टी में फेरबदल करने के लिए समय है और ध्यान उसी ओर दिया जा रहा है, लेकिन इस रोड की इतनी दुर्दशा खराब हो चुकी है। यहाँ कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी है और कई लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है, लेकिन जवाबदार प्रशासक, मंत्री व विधायक कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं कि आगे बहुत बड़ी दुर्घटना वाकई होने की संभावना है, उसके बाद ही इस रोड का काम पूर्ण होगा, ऐसा सवाल उत्पन्न हो रहा है। एनबीसी न्यूज के लिए आमगांव से नरेंद्र निखारे की रिपोर्ट। विश्व बाघ दिवस के अवसर पर ताड़ोबांधारी टाइगर रिजर्व के मोहरली सभागार में 29 जुलाई को केक काटा गया। हाल ही में ताड़ोबा में बाघ की फिल्म भी दिखाई गई और ताड़ोबा के मोहरली कोर गेट से साइकिल रैली का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत ताड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व के क्षेत्र निदेशक जितेंद्र राम गावकर ने साइकिल चालकों को हरी झंडी दिखाकर साइकिल रैली को रवाना किया और टूरिस्ट गाइड ने केक भी कटवाया। इको प्रोजेक्ट के अध्यक्ष और एनटीसीए प्रतिनिधि बंडू धोत्रे ने बाघ दिवस के अवसर पर सभी प्रतियोगियों से कहा कि बाघ सभी जानवरों का प्रतीक है और इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हम बाघ के दर्शन पर पैसे खर्च करते हैं और सफारी में उसे जिप्सी के पास देखकर बहुत ही खुश होते हैं और जब वही बाघ जंगल से बाहर मैदान में आता है तो लोग पत्थर मारकर उसका स्वागत करते हैं। हम देख रहे हैं कि मानव वन्य जीव संघर्ष बढ़ रहा है, इसे रोकने के लिए वन विभाग, गैर सरकारी संगठन और ग्रामीण लगातार प्रयास कर रहे हैं, इसलिए हम सभी को बाघ संरक्षण में मदद करनी चाहिए। विश्व बाघ दिवस की शुरुआत 2010 के आसपास हुई थी। विश्व के जिन 13 देशों में बाघ पाए जाते हैं उन देशों ने एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया और उस सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि अगले 10 वर्षों में बाघों की संख्या दोगुनी करने का निर्णय लिया गया। 2022 की बजाय 2020 में बाघों की संख्या दोगुनी हो गई। समय के पहले बाघों की संख्या बढ़ी। हमारे देश में लगभग 51 बाघ अभ्यारण्य है और बाघों की संख्या लगभग 3,500 है। ताड़ोबा टाइगर रिजर्व में उतने ही बाघ है जितने बाहर चंद्रपुर में है। हम जो संख्या देखते हैं उसका ध्यान रखना सिर्फ वन विभाग को ही नहीं बल्कि आम जनता को भी है। हम देखते हैं कि बाघों की संख्या उसी गति से बढ़ रही है जैसे पन्ना टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व जैसे कई उदाहरण हमारे सामने है। बहुत ही कम समय में बाघों की संख्या शून्य हो गई। बाघ संरक्षण के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अगर हम संरक्षण उपायों के प्रति अपने रवैये में ढिलाई बरतेंगे तो बाघों की आबादी घट सकती है या शून्य भी हो सकती है। हम देखते हैं कि बाघ एक बहुत ही नाजुक जानवर है। बाघ जानवरों और इंसानों को देखकर ही उन्हें मारना सीखता है, लेकिन इसे सुरक्षा के लिए इंसानों की भी जरूरत होती है। उसके लिए आज हम जो बाघ दिवस मनाते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही बाघों की संख्या कम ना हो इसके लिए भी हम सभी को मदद करने की जरूरत है। चंद्रपुर जिले के हमारे स्थानीय गाँव में हम देखते हैं कि लोगों की बाघ संरक्षण में सकारात्मक भूमिका है। ऐसा देश में नहीं तो दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलता। दुनिया की 70% बाघ आबादी हमारे देश में है और इनमें से सबसे बड़ा योगदान महाराष्ट्र का है। 450 से ज्यादा बाघ महाराष्ट्र में है और उनमें से 70% हमारे चंद्रपुर में है। हमारे चंद्रपुर के बाघों को अन्य राज्यों के बाघ अभ्यारण्यों में बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए वहां स्थानांतरित किया जा रहा है और भविष्य में भी वहां संख्या बढ़ाने के लिए उन्हें वहां स्थानांतरित किया जाएगा। ताड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व के क्षेत्र निदेशक डॉक्टर जितेंद्र राम गावनकर ने कहा। साथ ही ताड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक बफर कुशाग्र पाठक ने भी सभी को विश्व बाघ दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि बाघ संरक्षण के लिए स्थानीय लोगों के साथ साझेदारी जारी रहनी चाहिए ताकि भविष्य में बाघ संरक्षण में मदद मिल सके। उक्त कार्यक्रम का संचालन वन परिक्षेत्र अधिकारी बफर संतोष थीपे ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन वन संरक्षण MA मंगम ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए संतोष थीपे और उनके सहयोगियों ने कड़ी मेहनत की। एनबीसी न्यूज के लिए ताड़ोबा से सुलेमान बेग के साथ सुनील ताड़े की स्पेशल रिपोर्ट। राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ का 8वां राष्ट्रीय महाधिवेशन 7 अगस्त 2023 को मेहती ऑडिटोरियम तिरुपति आंध्र प्रदेश में आयोजित किया जाने वाला है। इस महाधिवेशन का उद्घाटन आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी द्वारा किया जाएगा, ऐसी जानकारी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ द्वारा आयोजित पत्र परिषद के दौरान दी गई।
इस महाधिवेशन का उद्घाटन 7 अगस्त 2023 को सुबह 11 बजे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगमोहन रेड्डी द्वारा किया जाएगा। इस अवसर पर प्रमुख अतिथि के रूप में राष्ट्रीय मार्क्स वर्गीय आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहिर, आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री नारायण स्वामी, आंध्र प्रदेश के मार्क्स वर्ग कल्याण मंत्री चेलू बोइना वेन गोपाल कृष्ण, तेलंगाना मार्क्स वर्गीय कल्याण मंत्री गंगुला कमलाकर, आंध्र प्रदेश महिला व बाल कल्याण मंत्री के वी उषाश्री चरण, तेलंगाना क्रीडा व सांस्कृतिक युवा मंत्री वी श्रीनिवास गौंड, हाउसिंग मंत्री आंध्र प्रदेश जोगी रमेश, राज्यसभा सदस्य आंध्र प्रदेश बिदामस्तान राव, AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, तेलंगाना सांसद बंडी संजय, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष नाना पटोले, भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, पूर्व मंत्री महाराष्ट्र विजय वडेट्टीवार, पूर्व मंत्री व अध्यक्ष महादेवराव जानकर, पूर्व मंत्री महाराष्ट्र राज्य डॉक्टर परिणय फुके, विधान परिषद सदस्य महाराष्ट्र अभिजीत वंजारी, विधान परिषद सदस्य महाराष्ट्र सुधाकर राव अडबाले, विधान परिषद सदस्य आंध्र प्रदेश जंगा कृष्ण मूर्ति, पूर्व विधायक महाराष्ट्र अविनाश वाजुरकर उपस्थित रहेंगे। ज्ञान है कि राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ 2016 से ओबीसी समाज के उत्थान के लिए कंटिन्यू संघर्ष कर रहा है, जिसमें राष्ट्रीय अधिवेशन, राज्य अधिवेशन, धरने, इस तरह के प्रोग्राम हम लोग कंटिन्यू साल भर करते रहते हैं और हर साल एक राष्ट्रीय अधिवेशन 7 अगस्त को हम लोग देश के विभिन्न कोने में करते हैं। पहला अधिवेशन नागपुर में हुआ था, दूसरा दिल्ली, तीसरा मुंबई, चौथा हैदराबाद, पांचवा छठवा ओपन ऑनलाइन पिछले साल दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम, और इस साल 8वां अधिवेशन 7 अगस्त 2023 को तिरुपति में होने जा रहा है। ये अधिवेशन का उद्घाटन आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगमोहन रेड्डी जी करने वाले हैं, वहाँ के उप मुख्यमंत्री हमारे हंसराज जी आए और सारे खासदार और आमदार लोग, मंत्री लोग आंध्र प्रदेश तेलंगाना के उसमें उद्घाटन के सत्र में उपस्थित रहेंगे। उसी तरह से समापन सत्र में भी विभिन्न आमदार, खासदार, मंत्री महोदय उपस्थित रहे अपने महाराष्ट्र में से, खासकर नाना पटोले जी, चंद्रशेखर जी बावनकुले, विजय जी वडेट्टीवार, परिणय जी फुके, सुधाकर राव अडबले, अभिजीत जी वंजारी, अपना अविनाश जी वारजुरकर, ये सब लोग उस अधिवेशन में अटेंड करने के लिए आ रहे हैं। और इस अधिवेशन में हम लोग ओबीसी विद्यार्थी, युवा, किसान, किसान मजदूर और सामान्य ओबीसी वर्ग के लिए 42 समस्याओं पे चर्चा करने वाले, और ये 42 समस्याओं पे चर्चा करके वैसे रिजोल्यूशन वहाँ पर हम लोग पास करके केंद्र सरकार से आने वाले साल में साल भर हम लोग उनको फोर्स करेंगे कि हमारे ओबीसी समाज की 42 मांगे आप जल्द से जल्द पूरी कर हमारे ओबीसी समाज को न्याय देने की कोशिश करें। NBC न्यूज के लिए अजित कुंवर के साथ अक्सान सारी की रिपोर्ट। नंदनवन क्षेत्र की एक मोबाइल शॉप में चोरी करने वाले एक नाबालिग को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसने अपने साथी के साथ मिलकर दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दी। दो साथियों के साथ मिलकर नाबालिग ने करीबन 1,00,000 कीमत के मोबाइल फोन चुरा लिए थे। जानकारी के मुताबिक क्राइम ब्रांच यूनिट 4 की टीम को गश्त के दौरान गुप्त सूचना मिली कि नंदनवन क्षेत्र की K2 मोबाइल शॉप में चोरी कर लाखों रुपयों के मोबाइल फोन पर हाथ साफ करने वाले आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है, जो कि बड़ा ताजबाग क्षेत्र में घूम रहा है। सूचना के आधार पर यूनिट 4 की टीम ने जब नाबालिग को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया तो उसने अपने साथी बड़ा ताजबाग निवासी आरोपी अल्ताफ खान के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिए जाने की बात कबूली, पर पुलिस के हाथों आरोपी अल्ताफ खान बदकिस्मती से नहीं लग पाया, जबकि मामले में शामिल तीसरे आरोपी सैफ यूसुफ खान को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली। आरोपी यूसुफ खान से चुराए गए अलग अलग कंपनियों के 10 मोबाइल जब्त किए गए, जिनकी कुल कीमत करीबन 1,17,000 रुपए बताई जा रही है, जबकि पुलिस फरार आरोपी अल्ताफ खान की तलाश कर रही है। मामले की जांच जारी है। पुलिस स्टेशन नंदन हद्दी मध्ये K2 मोबाइल शॉप ही डायमंड नगर त्या ठिकाणी 26 तारखेच्या रात्रीच्या वेळेस मोबाइल शॉपिंगमध्ये चोरी झाली होती। त्या घटनेमध्ये मोबाइल शॉपिंगमध्ये असलेले मोबाईल चोरी केल्याची माहिती पडली, त्यावरून पुलिस नंदनवन या ठिकाणी गुन्हा दाखल झाला। गुन्हा दाखल झाल्याची माहिती युनिट क्रमांक 4 माहिती भेटली, त्यावरून गुन्हे शाखा युनिट क्रमांक 4 पथकाने समांतर तपास सुरू केला। समांतर तपास सुरू करत असताना पोलीस अंमलदार विलास चिंचुलकर आणि महेश काटोले यांना माहिती भेटली की
ज्या ठिकाणी चोरी झाली त्या ठिकाणीचा जो आरोपी आहे तो ताजबाग परिसरामध्ये फिरत आहे असे त्यांच्या गोपनीय बातमीदारांना माहिती दिली. त्यावरून न्यूज चारचं पथक त्या आरोपीच्या शोधकामी ताजबाग परिसरामध्ये गेले. ताजबाग परिसरामध्ये गेले असता ज्या व्यक्तीने मोबाईल चौकीमध्ये चोरी केली होती तो मिळाला. त्याला विश्वासात घेऊन विचारपूस केली असता त्याने K2 मोबाईल चौकी डायमंड नगर या ठिकाणी मोबाईल चौकीमध्ये मोबाईल चोरण्याची कबुली केली. त्यावरून त्याला अधिक विचारपूस केली असता त्याने सांगितले की त्याच्यासोबत त्याचा एक इतर साथीदार होता त्याचे नाव अल्ताफ खान राणा मोठा ताजबाग असे आहे. त्या दोघांनी मिळून सदरची मोबाईल चोरी केली सांगितली. त्यावरून त्याच्या जो ताब्यामध्ये इसम होता त्याची घरझडती घेतली असता त्याच्याकडून चोरी गेलेले 7 मोबाईल प्राप्त झाले. तसेच त्याने सांगितले की या मोबाईल चोरीमधले इतर जे मोबाईल आहेत त्याला त्याचा दुसरा साथीदार सैफ खान युसुफ खान याच्याकडे दिले होतं. त्यावर आम्ही त्याच्या घरी गेलो असता त्याच्याकडून त्या चोरीमधले 3 मोबाईल जप्त केले. असे एकूण 10 मोबाईल जप्त करण्यात आले. याची एकूण किंमत जवळपास 1,17,000 रुपये अशी आहे. 9 आरोपी यांना ताब्यात घेऊन पोलीस नंतरच्या ताब्यात पुढील कारवाई करता दिली आहे. यामधला जो मुख्य आरोपी आहे तो नाबालिग आहे परंतु त्याच्याविरुद्ध यापूर्वीसुद्धा चोरीचे गुन्हे दाखल असल्याचा अभिलेख प्राप्त झालेला आहे. NBC न्यूज के अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्सा अंसारी की रिपोर्ट. आज के बुलेटिन खबरों में बस इतना ही. रोजाना की खबरें देखने के लिए देखते रहिए BCN न्यूज.